राज्य सूचना आयुक्त हाफिज मोहम्मद उस्मान ने कहा कि जन सूचना हमारा मौलिक अधिकार है। भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने और सभी विभागों से जानकारी हासिल करने का एक मजबूत हथियार है। वे चामुंडा मंदिर के पास स्थित पूर्व पालिका चेयरमैन स्वर्गीय रशीद अहमद के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज मोहम्मद उस्मान ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिनों के भीतर सूचनाएं देने का प्रावधान है। समाज के सभी वर्गों को जन सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए। इस नियम के माध्यम से सुलभ तरीके से सूचना दी जा सकती है। भ्रष्टाचार करने वालों की पोल खोलने के लिए एक बेहतर तरीका है। कुछ विभाग जन सूचना देने में परेशान करते हैं, ऐसे विभागों के लिए राज्य आयुक्त में शिकायत की जा सकती है। जन सूचना अधिनियम का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित भी किया जाता है। कार्यक्रम में SDM धामपुर आजाद भगत सिंह, मोहम्मद आमिर, रईस अहमद जई, मनीष कुमार वैद्य, मिद्दू खां, मोहम्मद आसिफ, सभासद शब्बू ठेकेदार महफूज और गुड्डे, दिलशाद अहमद, मोहम्मद अकरम, सुल्तान सैफी, अबरार अहमद, बाबू टेलर, वसीम शेख, अंजार अहमद, शमशाद अहमद, छुट्टन खान, इस आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य चुनाव आयुक्त हाफिज मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पूर्व पालिका चेयरमैन स्वर्गीय रशीद अहमद मिलनसार व्यक्ति थे तथा उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। जाना तो हम सभी को है, लेकिन अभी उनको जाने का वक्त नहीं था। उन्हें और अभी समाज सेवा करनी थी। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रशीद अहमद से नेटवर्क आने का वादा किया था, लेकिन उनके जीते जी तो वह नहीं आ पाए, लेकिन उनके घर पहुंचकर उन्होंने उनसे किया वादा निभाया। उन्होंने कहा, नेटौर वास्तव में बुद्धिजीवियों का शहर है और इसे AMU संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने दानिशमंद नेटौर का खिताब से नवाजा था, जिसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। न्यूज फ्रीडम के लिए नेटौर से डॉक्टर नदीम अहमद की रिपोर्ट। मुझे पता चला था उनका इंतकाल हो गया है जी, तो इसी दिन में आया था उसके लिए जी। और अचानक इंतकाल हो जाना, वो भी ऐसी शख्सियत का कि जो चेयरमैन कई बार रह चुके हैं, जो लोगों के दिलों में बसते हों, तो उससे अफसोस की बात है। मगर जाना सबको है जी सर, सही है। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। रिश्तेदार हैं, वारिसी हैं, उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, ये सर आपसे कब से ताल्लुकात थे चेयरमैन साहब से, कब से टच रहा है? मैं तो बहुत दिनों से इस अखबार के लिए आप काम कर रहे हैं, तो अखबार वाले भी हमारे रिश्तेदार थे। जो आपका रिपोर्टर है यहाँ सभी, मतलब थैंक यू सर।